IUCN guidelines for the reintroduction of species. Definitely, jitni bhi guidelines hain, wo jo basic objective hai, wo species ka survival hai. Wo species ki wahan success hai. Kisi particular species ki success hai. But after the release, jab humne ya kisi bhi conservationist ne kisi particular species ko translocate kar diya hai, new jagah pe introduce kar diya hai, ab wahan par after the introduction, what are the things which has to be monitored, this is very important. So unme jo sabse important aspect hai, wo hai estimation of the reproductive success. कि क्या जो फिजिबिलिटी प्लान बनाया गया था उसके बाद ऑर्गेनिज्म को वहाँ रिलीज़ किया गया, ट्रांसलोकेट किया गया, क्या वो प्लान सक्सेसफुल रहा. उस सक्सेस को मेजर करने के लिए हमें उस स्पीशीज़ का रिप्रोडक्टिव रेट मेजर करना पड़ेगा. और उसके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्वान्टिफाइंग द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड. इफ़ दैट स्पीशीज़ इज़ सक्सेसफुल देयर, डेफिनेटली इट रिप्रोड्यूसेस देयर एज वेल. वो वहाँ रिप्रोड्यूस करेगी, उसकी वजह से उसका नंबर बढ़ेगा. और अगर उसका नंबर वहाँ इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली ये इस प्रोजेक्ट की एक अच्छी खासी सक्सेस होती है. दिस रिक्वायर्स फील्ड सर्वे टू आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. डेफिनेटली क्योंकि जब नई इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म जाता है और वो जो नई जगह है वो एक ह्यूज, वो लार्ज इनफ होती है, सो उसके लिए एक फील्ड सर्वे की ज़रूरत रहती है. सर्वे के लिए हमें जो कंजर्वेशनिस्ट हैं या जो एक्टिविस्ट हैं वाइल्ड लाइफ के रेफरेंस से, उन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज दे हैव बेटर वेज टू कंडक्ट द सर्वे एंड टू नोट डाउन द थिंग्स विच आर नीडेड टू फाइंड आउट और टू जज द सक्सेस रेट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इस रेफरेंस से वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो उनकी रिप्रोडक्टिव रेट को मेजर करना है या उनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को मेजर करना है. देयर ब्रीडिंग लोकेशन, द फेट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, स्पेशली देयर सर्वाइवल टू द रिप्रोडक्टिव एज. क्या जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव रेट एज तक जाते भी हैं? अगर वो रिप्रोडक्टिव एज तक उस एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे, उस ट्रांसलोकेटिंग एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे, न्यू एनवायरनमेंट में नहीं जा रहे, देन डेफिनेटली इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहिए के जो नई हैबिटेट है प्रॉबेबली वो रिप्रोडक्टिव एज के लिए कंड्यूसिव ना हो. ऑल्टरनेटिवली इट मे बी एडिक्वेट टू एस्टिमेट द रिक्रूटमेंट. हम इस तरह भी वहाँ पर सक्सेस रेट को मेजर कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर सीक्वेंशली या किसी और पैटर्न में रिलीज़ किए जा रहे हैं, वो उनकी तादाद को काउंट किया जा सकता है कि पहले कितने रिलीज़ किए गए थे, उसके बाद कितने रिलीज के किए गए हैं, और जब सर्वे किया गया है तो उस वक्त उनकी तादाद कितनी है. दिस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू मेजर द सक्सेस रेट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज द बिहेवियरल मॉनिटरिंग. पोस्ट रिलीज में जो ऑर्गेनिज्म या जो स्पीशीज है उसका बिहेवियर को मॉनिटर करना, उसके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो इस चीज़ का एस्टिमेट देता है कि क्या नई इन्वायरमेंट उसके लिए कंड्यूसिव है, क्या जिस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, इज़ फिजिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. सो इस रेफरेंस से जो चीज़ें बिहेवियर में ऑब्जर्व की जाती हैं वो उनकी एक्टिविटी और मूवमेंट पैटर्न्स हैं. वो फॉरेजिंग बिहेवियर इंक्लूड किया जाता है, डाइट सिलेक्शन इंक्लूड की जाती है, एंड देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीडिंग सीजन एंड सक्सेस, ये भी देखा जाएगा कि क्या वो प्रॉपरली ब्रीड कर रहे हैं, बिकॉज ये ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने में एक की फैक्टर के तौर पर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. Another important factor is the ecological monitoring. This should be undertaken to record the ecological changes associated with the translocation. It contributes towards the general knowledge basis for translocation feasibility and design. ये जो aspect है ecological monitoring का, ये हमें future में
फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करने में हेल्प आउट करता है कि अगर हमने जो डिज़ाइन एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए बनाया है, इफ़ इज़ दैट फिजिबल, अगर वो फिजिबल है तो क्या इसी तरह के प्लान्स को किसी और स्पीशीज़ के लिए फॉलो किया जा सकता है। सो हमें हमारा बेसिक नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए जो इकोलॉजिकल मोनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है। हेल्थ एंड मोर्टिलिटी मोनिटरिंग, दिस टाइप ऑफ मोनिटरिंग कैन एक्सेस whether there are unacceptably high levels of disease, adverse welfare or mortality. के जब ऑर्गेनिजम्स को वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अब वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ को मोनिटर करना है, उनकी डिजीज़ कंडीशन को मोनिटर करना है, या अगर उनको खुदा न खवासा किसी डिजीज़ की वजह से डेथ हुई है तो उसको मोनिटर करना है, यानी इफ़ देर इज़ अ डेथ देर मस्ट बी अ प्रॉपर पोस्टमार्टम टू स्टडी that is there any change in the environment or that environment poses certain health issues to the organism. So ye cheeze post release mein bahut important factor play karti hain ke organisms mein ko release karne ke liye aur kya kya strategies ko opt kiya ja sakta hai. This will have an impact on the success of the translocated population. May present a threat to any neighboring population. This is also very important कि क्या जो न्यू स्पीशीज़ हमने वहाँ इंट्रोड्यूस की है उसकी वजह से तो कोई जो उसके नियर बाय ऑर्गेनिजम्स हैं या जो उसके साथ की पॉपुलेशन है उसको तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सो उस पर्पज़ के लिए जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जो उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस हैबिटेट में रह रहे हैं, उनकी डिजीज़ कंडीशन को मोनिटर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डेथ एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली can be critical in assessing translocation progress. जिस तरह अभी हमने बात की कि if there is a death, then there must be a proper postmortem, so that हम ये access कर सकें, हम ये evaluate कर सकें कि जो death हुई है वो translocation उसकी proper reason तो नहीं बन रही, या कोई disease condition की वजह से organism की death तो नहीं हुई. So इन चीज़ों को, ये जो health aspect है, ये पोस्ट रिलीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है.